अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जनवरी में ही, लेकिन अब इसी चंदे को लेकर मुलायम परिवार में आपस में राह ठन गई है। यानी कि मुलायम परिवार इस पूरे मामले पर अब बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दिया और कहा कि वे बीते समय में अपने परिवार के द्वारा अंजाम दिए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेताजी के समय क्या हुआ इस पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहती। तो वहीं अखिलेश यादव ने चंदा शब्द पर एतराज जताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो चंदा नहीं दक्षिणा देंगे। मैंने आपसे कई बार कहा आप भी चंदा मत बोला करो, और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? मेरे राम इष्ट हैं, मैंने बार बार यही कहा है, अपनी बात में भी आगे भी यही बोलूंगी कि राम भारत का चरित्र है, भारत एक संस्कारवान देश है और हमेशा से राम जन्मभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। जो भी कुछ पास्ट में हो गया, चाहे आदरणीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे तो बहुत दुखद हुआ, जो भी हुआ उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने ये काम किया है, ये मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है, मेरे परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया इसके लिए तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। और सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अनिल, ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव की ओर से ये बात कही गई हो कि वो चंदा शब्द को नहीं स्वीकार करेंगे बल्कि दक्षिणा देंगे, लेकिन उनके परिवार से ही अब 11 लाख का चंदा दिया गया है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा परिवार के बीच से, क्योंकि नाराजगी अपर्णा यादव की, अपर्णा यादव अपने परिवार से अलग पहले भी कदम उठाती रही है। देखिए, पहली बात तो दोनों परिवारों को अब एक कहना मुझे लगता है ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों परिवार अब अलग रहते हैं। अखिलेश यादव और अपर्णा यादव का परिवार जो है वो अलग ही रहता है, हालांकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह के साथ ही रहती है, उनका आवास जो है अखिलेश यादव के घर से थोड़ा दूर है। तो जितनी दूर है घर है उतने दोनों परिवारों में खाली मुलायम सिंह को अलग कर दें तो अपर्णा यादव के जो राजनीतिक विचार हैं वो भी अखिलेश यादव से अब शायद मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हम देखा गया है कि अक्सर वो बीजेपी के नेताओं की तारीफ करती हैं, प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री की भी तारीफ कर चुकी हैं और कई बार मुख्यमंत्री के साथ वो कई कार्यक्रम में नजर भी आई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनको 2017 में टिकट दिया था कैंट विधानसभा से, वो लड़ी भी थी, हार गई थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के दबाव में वो टिकट दिया था। और अपर्णा यादव की और अखिलेश यादव की बहुत बनती नहीं है, इसलिए पार्टी में भी उन्हें वो कद और वो पद नहीं मिल पाया। और रही बात अब ये राम मंदिर में दान देने की, तो अपर्णा यादव ने 11,11,000 रुपये दान दिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं दान वो भी देंगे, दक्षिणा देंगे और परिवार के साथ दर्शन करने भी जाएंगे, लेकिन जो ये दान को चंदा कहा जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है, इस चंदा सबसे उन्हें ऐतराज है। और वो कह रहे हैं कि भारतीय परंपराओं में चंदा कोई वर्ड नहीं है और ये ठीक वर्ड नहीं है, इस दान दक्षिणा कहा जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दान दक्षिणा देने से उन्हें ऐतराज नहीं है लेकिन चंदा कहे जाने से ऐतराज है। और रही बात अपर्णा की, तो जाहिर बात है कि अब राजनीतिक रूप से अपर्णा और अखिलेश यादव एक दोनों विपरीत ध्रुव हैं और अलग अलग घरों में रहते हैं और उनकी दोनों की विचारधारा भी अलग अलग है। अनिल, जैसा कि आपने भी बताया कि पहले भी जिस तरीके से इस पूरे मामले में आप भी बता रहे हैं कि दोनों परिवारों को एक कहना आप ठीक नहीं होगा, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि अब अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अपर्णा यादव अभी तक पूरी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, तो क्या माना जाए कि भविष्य में अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में ही रहें या भाजपा कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इस मंशा से भी ये दान दिया गया या फिर एक धार्मिक भावना ही है जिस वजह से उन्होंने ये दान दिया है, या पॉलिटिकल फायदा भी चाहती हैं इसका वो? बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव की कोई विचारधारा अपनी नहीं है, अगर समाजवादी पार्टी उनको आत्मसात कर लेती है, उनको फिर से पार्टी में एक बेहतरीन पद मिल जाता है और टिकट का उनको भरोसा हो जाता है तो फिर से कल वो समाजवादी हो जाएंगी, लेकिन उन्हें ऐसी कोई अभी सूरत दिख नहीं रही समाजवादी पार्टी में, इसलिए वो अक्सर बीजेपी के करीब नजर आती है, प्रधानमंत्री की तारीफ करती है, मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं, उनको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी में ठहर नहीं बन रहा है तो बीजेपी उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है, इसलिए वो अभी मंदिर के लिए
उन्होंने 11,11,000 रुपए का चंदा भी दिया है और अब बीजेपी के नेताओं की तारीफ भी कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। पार्टी अगर समाजवादी पार्टी उन्हें फिर से आत्मसात कर ले, जैसे मैंने पहले कहा, फिर से उनको एक अच्छा पद मिल जाए और कोई अच्छी सीट लड़ने को मिल जाए, तो उनकी विचारधारा फिर तुरंत बदल जाएगी और फिर से वो समाजवादी हो जाएंगी। धन्यवाद अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में दोनों परिवार बचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि चंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं, दक्षिणा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दक्षिणा दान दक्षिणा का। जबकि अपर्णा यादव ने साफ कहा है कि 11,00,000 का उन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव हमलावर रहे। आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी भी बताया और जो विकास के काम या भ्रष्टाचार नहीं होने की बात बीजेपी सरकार में कही जा रही है उस पर भी सवाल खड़े किए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लिया, वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया कि वो इसके मुख्यमंत्री बन पाए। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, तो अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया अखिलेश यादव की बात पर, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं समझता हूं कि हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कुछ लोग, और उस सत्ता से बाहर हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं, और इसी कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को बार बार चुनौती देकर और उन पे अनर्गल आरोप लगाने का काम तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, तथ्यों के आधार पर आरोप होने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अचीवमेंट से घबरा कर विपक्ष बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने से कतराता नहीं है, जिसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। तो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगातार आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर निर्माण या उसको लेकर जो कदम उठाए गए हैं उससे खुश नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से हर कोई खुश है और उसका स्वागत करता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिस तरीके से चंदे की बात कही जा रही है, जनवरी के महीने से पूरे देश भर में घूम घूम कर विश्व हिंदू परिषद ने चंदा इकट्ठा करने की बात कही और अब चंदा इकट्ठा हो भी चुका है, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। उनका कहना है कि चंदा शब्द नहीं बल्कि दक्षिणा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल खड़े ही किए, साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा कि विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोलें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा, और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार एड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है।